पर मेरा चिकन ग्रेवी जो है कुछ इस तरह से बन चुका है। वाओ गाइस, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बिंदास होंगे, एकदम खुश होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिन गैप करने के बाद में आज हम फिर से व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि हम जो है कोई भी व्लॉग बनाने से पहले बहुत बार सोच लेते हैं कंटेंट के बारे में। वो कंटेंट के बारे में हम बहुत बार सोच के तब बनाते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी कंटेंट लेके बना ले, ऐसे नहीं होता है। एक कंटेंट, अच्छा कंटेंट के लिए आपको बहुत बार सोचना पड़ता है। तो गाइस, ज़्यादा बात नहीं करेगा, तो आप लोग को हम बताएगा कि आज हम जो है आप लोग को मतलब ये सिखाएगा कि ना घर बैठ के आप जो है चिकन ग्रेवी कैसे बना सकते हैं आराम से, सिंपल वे में चिकन ग्रेवी आप लोग अपना घर में भी बना सकता है। और जो लोग रेंट बैठते हैं कहीं दूर दूर में, उन लोग के लिए तो चिकन ग्रेवी बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज का व्लॉग जो है। सो सबसे पहले चिकन ग्रेवी बनाने के लिए आपको पहले सबसे पहले टमाटर लेना पड़ेगा, 3 या फिर 2 पीस हो जाएगा। और प्याज थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 3 से 4 तो जैसे भी हो जाएगा। तो अब इसको पीस करना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर और प्याज को है काट चुका है, छोटा छोटा पीस में काट चुका है। तो अभी इसको डालना है। सो यहाँ पर मेरा कढ़ाई जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पर जो मस्टर्ड ऑयल है उसको डाल देना है। थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि ग्रेवी बना रहे। तो ये है चिकन मसाला, मार्केट में बहुत कम दाम में मिल जाता है, तो इसको डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है चिकन मसाला। अभी यहाँ पर हल्दी डाल देना है, टर्मरिक पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा नहीं कुछ डालना है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा पानी डालना है। अभी डाल चुका है, तो अभी इसको मिलाना पड़ेगा अच्छे से। तो अभी मसाला भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा तेल भी पक चुका है, या फिर अभी थोड़ा सा प्याज को डाल देना है। मिला लेना है, जो प्याज को बहुत अच्छा से पका लेना है। ओके, अभी यहाँ पे टमाटर को डालना है, अभी साथ में टमाटर को भी डाल देना है। तो दोनों को पहले बहुत अच्छे से पका लेना है। तो मेरा टमाटर और प्याज जो है एकदम पक चुका है, पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर मेरा जो मसाला है ये जो, उसको डाल देना है। कुछ इस तरह से चिकन ग्रेवी बनाया जाता है, आप लोग सीख के रहिए। ये जो बहुत सिंपल वे है चिकन ग्रेवी बनाने के लिए, बहुत सिंपल वे है। अभी यहाँ पर मसाला को मिक्स कर देना है अच्छा से। गाइस, ये जो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है और बहुत सिंपल वे में आप लोग को हम दिखा रहे हैं चिकन ग्रेवी कैसे बनाया जाता है बोल के। आप लोग सीख के रहिए, बहुत काम आने वाला, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो लोग ग्रेवी पसंद करते हैं उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देख सकते हैं ऑलमोस्ट ग्रेवी बन ही गया। अभी यहाँ पर बस मेरा मीट को भी डाल देना है, मेरा चिकन मीट को डाल देना है। कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है चिकन ग्रेवी जो है। ओके, तो यहाँ पर मेरा चिकन मीट है, इसको डाल दे रहे हैं हम जो, यहाँ पर डाल देगा। अभी डाल देना है चिकन मीट। इतना इजी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी है। आप लोग को होटल जाने का, रेस्टोरेंट जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना घर में भी ये सब बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे है।
काफ़ी इजी वे में आप लोग अपना घर में ही चिकन ग्रेवी बनाया जा सकता है। बस मेरा जो ये जो आप जो मेरा ट्रिक्स को फॉलो करके आप लोग आराम से चिकन ग्रेवी अपना ही घर में बैठते बैठते बना सकता है। उसके लिए बस थोड़ा सा चिकन मिर्च चाहिए और प्याज टमाटर चाहिए और तेल चाहिए, बस इतना ही, और साथ मसाला चाहिए और कुछ भी चाहिए नहीं है और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको होटल और रेस्टोरेंट जाने का कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना घर बैठते बैठते भी चिकन ग्रेवी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर नमक भी थोड़ा डाल देना है। ओके, नमक भी डाल दिया। तो अभी यहाँ पर अच्छा से वो करना है, मिक्स करना है। तो यहाँ पर मेरा चिकन ग्रेवी जो है कुछ इस तरह से बन चुका है। वाओ गाइस, देख सकते हैं, इट्स लुक सो डिलीशियस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा चिकन ग्रेवी जो है पक चुका है। अभी यहाँ मैं काम ट्राई कर रहा है। छह बजे करा दे सकते है, बहुत ही टेस्ट है, बहुत डिलीशियस है गाइस। So guys, वहाँ बारिश भी हो रहा है अभी। नौ तक ना भाई बुला दो इसका लाइफ। उम्र कैसे? 10 साल उम्र।